कोरोना के कहर की वजह से कितने राज्यों में स्कूल हुए बंद, बच्चे क्यों लगातार हो रहे हैं कोरोना वायरस के शिकार। कोरोना और ओमिक्रॉन के कहर को देखते हुए देश के 15 राज्यों में स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली में अगले आदेश तक, हरियाणा में 12 जनवरी तक, महाराष्ट्र में 31 जनवरी तक, यूपी में 10वीं तक स्कूल मकर संक्रांति तक, तमिलनाडु में 8वीं तक स्कूल 10 जनवरी तक, ओडिशा में प्राइमरी स्कूल अगले ऑर्डर तक और पश्चिम बंगाल में स्कूल कॉलेज शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। लेकिन कई राज्यों में 10वीं 12वीं की कक्षाएं चलती रहेंगी। कोविड 19 की तीसरी लहर में लगातार बच्चे कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में पिछले 15 दिनों में सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक कई राज्यों के स्कूलों में बच्चों के संक्रमित होने से हड़कंप मचा है। मुंबई में पिछले एक महीने में 3,516 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र में बच्चों में कोरोना संक्रमण पर नजर रखने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। विज्ञान संस्थान और भारतीय सांख्यिकी संस्थान बेंगलुरु की टीम की स्टडी में कहा गया है कि भारत में जनवरी के तीसरे और चौथे हफ्ते के बीच कोरोना की तीसरी लहर का पीक आ सकता है। स्टडी के मुताबिक मार्च के अंत तक कोरोना संक्रमण के मामले कम होने लगेंगे। बीमार